व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इंस्टेंट कोल्ड कॉफी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हॉट समर्स में हमारा बहुत दिल करता है कि हम कुछ चिल्ड या ठंडा पिए। तो ये एक बहुत ही आसान सी कोल्ड कॉफी की रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप इस रेसिपी से काफी फ्रॉथी और थिक कोल्ड कॉफी बना सकते हैं बहुत आसानी से। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अमेजिंग सी रेसिपीज को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर रेसिपी। सबसे पहले आप यहाँ पे ले लें कॉफी पाउडर और उसमें डालें 1 से 2 चम्मच गर्म पानी, और ये जो कॉफ़ी है इसे आप मिक्स कर लें। तो ये एक कॉफ़ी का लिक्विड बन के रेडी हो चुका है। अब आप यहाँ पे जूसर ले लें और इसमें डालें दूध। आप जितने ग्लास कोल्ड कॉफ़ी बनाना चाहते हैं उतना दूध डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 ग्लास दूध डाल रही हूँ। फिर इसमें आप चाहें तो अमूल क्रीम डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे काफ़ी थिक बनेगी आपकी कॉफ़ी। फिर इसमें आप ये लिक्विड कॉफ़ी डाल दें, और इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। आप अपनी स्वीटनेस के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं, और आप यहाँ पे चाहें तो वनीला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। और फिर आप इसमें डाल दें खूब सारी आइस, और ऊपर से मैं हर्षी सिरप डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। और हमारी ये जो प्रिपरेशन है कोल्ड कॉफी की रेडी हो चुकी है। आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। आइस है वो अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए, और हमारी ये फ्रॉथी कोल्ड कॉफी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आप चाहे तो गार्निश भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो है हर्षी सिरप ले रही हूँ, और ऐसे साइड्स में मैं सिरप को लगा रही हूँ, जिससे आपकी कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। फिर आप इसमें आपकी कोल्ड कॉफ़ी डाल लें, और ऊपर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्रॉथ आई है। और उसके ऊपर आप चाहे तो स्पून से फ्रॉथ को डाल सकते हैं, इससे ये बहुत ही अच्छी लगेगी। ऊपर से मैं यहाँ पे चॉकलेट पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो हमारी ये इंस्टेंट कोल्ड कॉफी बनके रेडी हो चुकी है। आप समर्स में ये कोल्ड कॉफ़ी बना के पिएं, क्योंकि ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें अपने एक्सपीरियंसेस में, साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही बहुत ही डिफरेंट टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।